इस वीडियो में दी गई जानकारी ऑनली फॉर एजुकेशनल पर्पस है। ये नोटबुक और वीडियो क्लियर से ली गई है। कृपया कुछ मेडिसिन और ट्रीटमेंट लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। कुछ मेडिसिन और ट्रीटमेंट ना लीजिए, ये जानलेवा भी हो सकता है। थैंक्स माय टीम एमटीवेंटी टीम। नमस्कार दोस्तों, वेलकम फ्रेंड्स, एमटीवेंटी टीम में फिर एक बार आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे आइबुजेसिक प्लस टैबलेट के बारे में। जानेंगे आइबुजेसिक प्लस टैबलेट के अंदर क्या क्या कॉन्टेंट सॉल्ट मिलाया जाता है, ये आपको नाम से ही पता चल चुका होगा। ये एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है। आज जानेंगे किन किन इंग्रीडियंट्स की मदद से ये टैबलेट बनाया जाता है। ये इंग्रेडिएंट्स जो मैं बताऊंगा उसके कंटेंट से और कोई भी ब्रांड नेम मार्केट में क्या मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, कितने प्राइस में मिल सकता है, इसके सही में डॉक्टर रिकमेंडेड डोज क्या हो सकते हैं, सबसे बड़ी बात इसके काम क्या हो सकता है, सब कुछ आज पूरी डिटेल्स में जानेंगे। पूरी वीडियो के साथ बने रहिए, पूरी जानकारी लीजिए, क्योंकि आधा अधूरी जानकारी जानलेवा भी हो सकता है। चलिए वन स्टेप लर्न अबाउट एडवांस मेडिकल नॉलेज की तरफ बढ़ते हैं। आइबुजेसिक प्लस टैबलेट, इसके अंदर जो कंटेंट सॉल्ट मौजूद है वो दो कंटेंट सॉल्ट के मौजूद से ये बनाया जाता है। पहले जो इंग्रेडिएंट्स है, गुरुत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट्स है, वो है पैरासिटामोल। पैरासिटामोल 325 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में इसके अंदर मिलाया जाता है। अब लोगों को पता ही होगा पैरासिटामोल एक एनाल्जेसिक तथा एंटीपायरिक ड्रग है जो दर्द को भी कम कर सकता है और बुखार, सबसे ज़्यादा जो काम करता है बुखार पे, बुखार को रिड्यूस करने के लिए इसके यूजेस लिए जाते हैं। दूसरे जो इंग्रेडिएंट्स है वो है आइबुप्रोफेन। आइबुप्रोफेन इसके अंदर 400 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में मिलाया जाता है। आइबुप्रोफेन एक NSAID ग्रुप का दवा है जिसके नाम होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ग्रुप का दवा। इसके काम होता है जो स्वेलिंग होते हैं, पेन होता है, यानी दर्द होता है, उस दर्द को कम करने के लिए, यानी ये एक पेन किलर मेडिसिन है, दर्द निवारक मेडिसिन है, और इन्फ्लामेशन को भी निवारण करने के लिए इसके यूजेस लिया जाता है। इन दोनों के कॉम्पोजिशन में ये मेडिसिन बनाया जाता है जिसका नाम होता है आइबुजेसिक प्लस। इसको सिप्ला फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा मार्केट में लाया जाता है। इस टेबलेट का जो प्राइस हो सकता है 30 रुपये से लेकर 40 रुपये के बीच में 20 टैबलेट बहुत ही आसानी से आपका हर मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। ये थोड़ा सा सस्ते टैबलेट आते हैं। ये जो मैं कॉम्पोजिशन बताया आइबुप्रोफेन प्लस पैरासिटामोल, इस कॉम्पोजिशन से बहुत सारा ब्रांड नेम मार्केट में मिल सकता है। ब्रांड नेम वो होते हैं जो उस दवा बनाने वाली कंपनी द्वारा दी जाती है उसको बेचने के लिए। उसके अंदर तो कॉन्टेंट सॉल्ट एक ही रहता है लेकिन उसके नाम अलग अलग से हो सकता है, यानी इसके अंदर पैरासिटामोल और आइबुप्रोफेन ही रहेगा लेकिन इसके नाम अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि मुख्यतः ब्रांड नेम में से आइबुजेसिक प्लस तो आप लोगों को पता ही होगा। कॉम्बिफ्लम टैबलेट इसके बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड नेम है, कॉम्बिफ्लम टैबलेट, ब्रूफेन पी टैबलेट, फ्लेक्सन टैबलेट, ऐसे ही बहुत सारे ब्रांड नेम हो सकता है मिलेगा मार्केट में आपको। जो कोई भी ब्रांड आपको सस्ता मिले, आसानी से मिले, ले सकते हो, सबके काम एक ही होगा। डॉक्टर जो कोई भी आपको ब्रांड प्रेस्क्राइब करे वो ही लेना, और जो कोई भी ब्रांड आपको आसानी से मिल सकता है वो भी ले सकते हो आप। ये कोई ब्रांड नेम का प्रमोशन नहीं है, कुछ भी मेडिसिन लेने के लिए रिकमेंडेड नहीं है। मेरा वीडियो बनाने का यही पर्पस है, आपको मेडिकल संबंधित कुछ जानकारी दूं और मेडिसिन संबंधित कुछ जानकारी दूं। दोस्तों इसका जो काम है वो भी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि ये एक साइड से एनाल्जेसिक एंटीपायरिक ड्रग है, दूसरे साइड से पेन किलर NSAID ग्रुप के दवा के श्रेणी से भी बिलोंग करता है। इसके जो काम होता है दर्द को निवारण करना, चाहे आंखों में दर्द हो, कान में दर्द हो, या दांत के मसूड़ों में दर्द हो, सभी प्रकार के दर्द को यह कम कर सकता है। चोट लगने की वजह से जो दर्द होता है उसको भी कम करने के लिए यूजेस लिया जाता है। आर्थराइटिस के कारण से जो दर्द होता है उसको कम करने के लिए भी यूजेस लिया जाता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान जो महिलाओं का एब्डोमिनल पेन होता है उसको कम करने के लिए भी इसका यूजेस लिया जा सकता है। सबसे ज़्यादा भी इसको यूजेस बुखार को रिड्यूस करने के लिए लिया जा सकता है। इसके अंदर पैरासिटामोल और आइबुप्रोफेन जैसी इंग्रेडिएंट्स मौजूद है जो बुखार को भी कम कर सकता है। इसको बुखार को कम करने के लिए, हाथ पैर के दर्द को कम करने के लिए, पूरी बदन दर्द को कम करने के लिए, सभी प्रकार के दर्द को और स्वेलिंग को, चोट लगने के बाद जैसे जो स्वेलिंग होता है, इन्फ्लामेशन होता है, उसको दूर करने के लिए भी यूजेस लिया जा सकता है। हर प्रकार के दर्द को कम करने के लिए इसके यूजेस लिया जा सकता है। ये मुख्यतः यूजेस था मैंने बताया, और भी कई तरह के यूजेस हो सकते हैं जो डॉक्टर उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा दवा है, बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है, लेकिन इसको लेने के बाद कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकता है। जैसे कि आपका स्किन रैशेस हो सकता है, एब्डोमिनल में पेन ज़्यादा मात्रा में वापस से आ सकता है, गैस्ट्रिक इरिटेशन बन सकता है, ब्लर विजन देख सकता है, वीकनेस लग सकता है, ये नाजुआ वोमिटिंग जैसी टेंडेंसी भी कभी कभी किसी पेशेंट को हो सकता है। जब भी आपको कोई अनडिजरेबल साइड इफेक्ट मिले आप मेडिसिन को तुरंत ही बंद कीजिए और डॉक्टर से मिलिए जो कि आपको बेहतर ट्रीटमेंट दे सकता है, मेडिसिन चेंज करके या डोज एडजस्ट करके। दोस्तों इस टैबलेट का डोज क्या हो सकता है, डोज जाने से पहले एक चीज़ को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, इसका सेफ्टी इन्फॉर्मेशन।
कौन कौन पेशेंट को इसको यूज करने से पहले कुछ सावधानियां रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पहले जो सबसे वार्निंग्स है वो है, इनके कंटेंट से पहले भी कोई एलर्जिक रह चुका हो, यानी पैरासिटामोल और आइबुप्रोफेन, इन दोनों के कंटेंट से पहले भी कोई एलर्जिक रह चुका हो, उनको नहीं दिया जा सकता, उनके जान भी जा सकता है। प्रेगनेंस और ब्रेस्ट फीडिंग मदर में वैसे कुछ भी मेडिसिन यूज करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिएगा। 10 साल से नीचे बच्चों को ये मेडिसिन नहीं दिया जा सकता, क्योंकि 10 साल के नीचे जो बच्चे आते हैं उनमें सिरप फॉर्म के मेडिसिन आते हैं, इसके टैबलेट फॉर्म की मेडिसिन नहीं दिया जा सकता। किडनी और लिवर प्रॉब्लम में डॉक्टर की सलाह के साथ यूज किया जा सकता है। इसको अल्कोहल के साथ नहीं लिया जा सकता, लेने पर बहुत सारा साइड इफेक्ट भी हो सकता है। दोस्तों वार्निंग्स और कॉन्ट्राइंडिकेशन जानने के बाद जान लेंगे इसकी डोज क्या हो सकता है। डोज हमेशा डॉक्टर रिकमेंडेड डोज जो देते हैं वो रोगी को देखने के बाद, उसको जांचने के बाद ही डोज देते हैं। इसको जो डॉक्टर द्वारा नॉर्मल रिकमेंडेड डोज दिया जाता है एक एडल्ट व्यक्ति को, वही मैं आज बताऊंगा। ये डोज रिकमेंडेड आपको नहीं है, डॉक्टर का रिकमेंडेड डोज जो डोज होता है वही मैं बता रहा हूँ। आप कुछ भी मेडिसिन यूज करने से पहले डॉक्टर के सलाह जरूर लीजिएगा। इसके जो नॉर्मल रिकमेंडेड डोज है वो 1 से 3 टैबलेट तक हर दिन दिया जा सकता है। सुबह दोपहर शाम भी दिया जा सकता है, सुबह शाम भी दिया जा सकता है, या जब जरूरत हो एक टैबलेट लेने से ही आराम मिलता है। इसको खाने के बाद ही लेने की प्रेफर किया जाता है, क्योंकि इसको लेने के बाद नाउजा वोमिटिंग जैसी टेंडेंसी हो सकता है। इसके अंदर NSAID ग्रुप के दवा मौजूद है, इसीलिए खाने के बाद ही लेने पर साइड इफेक्ट थोड़ा सा कम हो सकता है। दोस्तों इसको 5 से 10 दिन और कभी कभी 10 से 30 दिन भी डॉक्टर द्वारा दिया जा सकता है, रेगुलरली लिया जा सकता है, डॉक्टर के सलाह के साथ, खुद से ना लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, इतना इन्फॉर्मेशन देना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अच्छे रहिए, धन्यवाद।